नमस्कार आप सभी को जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं ईस्टर्न टुडे न्यूज चैनल में। आज हम लोग आए हुए हैं लाजू टाउन, या तो हम कह सकते हैं तिराप डिस्ट्रिक्ट के लाजू सर्कल में। तो हमें बहुत दिनों से यहाँ के जो पब्लिक है उनके तरफ से कंप्लेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तो है लेकिन यहाँ पे ऑफिसर्स और स्टाफ नहीं बैठते हैं और काम अच्छा से नहीं होता है। तो आज हम उसी को जानने के लिए आए हुए हैं कि लोगों का जो कंप्लेंट्स है वो कितना तक सच है और कितना तक झूठ है। तो आज हम यहाँ पे ESC ऑफिस में आए हुए है, तो जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या काम होता है और यहाँ पे स्टाफ कितने हैं और इम्प्लॉयज वो लोग का जो काम है वो कितने तक वो लोग कर पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ईस्टर्न टुडे न्यूज चैनल में। तो अभी हम लोग इस वक्त ESC ऑफिस के कंपाउंड में आ गए हैं और अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टाफ कितने हैं। तो ये ESC ऑफिस है और फिलहाल ESC जो है स्टेशन में नहीं है, तो हम यहाँ के जो स्टाफ है, जितने भी स्टाफ है उनसे हम बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ ESC ऑफिस के स्टाफ है, तो जानते हैं यहाँ पे जो जो भी काम होते हैं उनसे। तो मैम सबसे पहले तो आप अपना बारे में बता दीजिए हमें। मेरा नाम कमला जैसी है, हम यहाँ LC में है। आप कहाँ के हो? हम तो बाहर का है लेकिन यहाँ जॉब करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हो? यहाँ में हो गया 10 इयर्स जैसा। 10 इयर्स। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ESC ऑफिस में आप लोग क्या क्या किस किस तरह का काम करते हो? हम लोग पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट, उस समय ट्राइब और PRC हमें सबमिट करता था, तो सबमिट करके कौन सा में ले जाके वो हमें जन सुविधा में देता था। तो बर्थ जो अभी ऐसा हो गया कि ये आधार कार्ड ऑफिस से मतलब हाथ से लिखने वाला जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो लोग प्रिंट आउट करके निकलना है बोला जी। इसके लिए हमें तो कुछ सुविधा है नहीं, नेट सेट का भी प्रॉब्लम है, इसके लिए खुमसा से बनाते हैं। तो आप लोग क्या करते हो? जो बर्थ का जो सर्टिफिकेट बनता है वो तो अभी आपने बोला है कि खुमसा में बनाता है आजकल, तो आप लोग क्या करते हो? हम लोग इससे ड्यूटी मतलब आके बैठते है, कुछ साफ सफाई है। और मैम हम आपसे जानना चाहेंगे आप कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ में? मेरा 9 इयर्स। और यहाँ में कितने स्टाफ है? 12। आप कौन से पोस्ट में हो? हम सब ALC है। तो उनमें से फीमेल कितने हैं? हम लोग 3 है। तो आपका भी वही काम है? तो मैम हम जानना चाहेंगे कि ये जो ESC ऑफिस है उसका इंचार्ज जो अभी कौन है, फिलहाल कौन है इसका इंचार्ज? जो इंचार्ज जो अभी ये नोकलेम सर बोल के है, बारी बसिप का है वो सर जो, लेकिन यहाँ में ड्यूअल है उसका इंचार्ज जो। तो अभी हमें प्रेजेंट नहीं, अभी कौन सा से कर रहे हैं वो, दोनों को संभालता है वो। क्या उनको यहाँ पे कोई क्वार्टर नहीं मिलते हैं? क्वार्टर तो है लेकिन ज्यादातर काम तो कौन सा से होता है, इसके लिए कौन सा में ज्यादा। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ESC के जो क्वार्टर है वहाँ पे, तो यहाँ का बाउंड्री वगैरह भी बहुत अच्छे से बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ ESC नहीं रहते हैं। और अभी जो हमने यहाँ के स्टाफ से बात किया था उसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ में जो बनते थे, जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी बनते थे, वो यहाँ नहीं होने का वजह से सब खुमसा में करते हैं, यानी कि तिराप डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में करते हैं, जिसका वजह से यहाँ के पब्लिक लोग बहुत सफर कर रहे हैं। यहाँ के पब्लिक जो है वहाँ आना जाना करने के लिए बहुत तकलीफ होते हैं, क्योंकि लाजू से खुमसा तक 40 किलोमीटर दूर है और लगभग 2 घंटा समय चला जाता है इसमें। एक बार में आना जाना में कम से कम 4 घंटा ऐसे ही चले जाएंगे। और जैसे कि जो लाजू सर्कल है यहाँ पे लगभग पे बहुत सारे पब्लिक है, बहुत सारे लोग रहते हैं ये एरिया में, ये सर्कल में, तो इसलिए हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ESC और जो इंचार्ज है जो भी है उनको हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एक ऑफिस में जो चीज होना चाहिए, जो सुविधा लोगों के लिए होना चाहिए, वो चीज अगर दिया जाएगा, जैसे कि अभी जो प्रिंटिंग का जो प्रॉब्लम बोला है, अगर वो यहाँ में किया जाएगा तो यहाँ के जो जितने भी पब्लिक है उनके लिए सुविधा रहेंगे। ये है लाजू सर्कल का एग्रीकल्चर ऑफिस और यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। यहाँ पे भी शायद जो स्टाफ और जितने भी डिपार्टमेंट के हेड है वो लोग नहीं आते हैं, जिसका वजह से यहाँ का हालत भी ऐसा ही है। और यहाँ के जितने भी पब्लिक है उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है। तो आज हम लोग आ गए हैं, तो जितने भी ऑफिस है यहाँ के लाजू के, लाजू सर्कल के जितने भी ऑफिस है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उनको हम विजिट करेंगे। तो अभी हम लोग जाने वाले है एग्रीकल्चर ऑफिस में। तो ये है एग्रीकल्चर ऑफिस, तो जाके देखते हैं अंदर में। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो ऑफिस है ये भी काफी सालों से बंद है और यहाँ पे कुछ भी काम नहीं चलता है, जिसके वजह से यहाँ एक स्कूल टीचर इसको एक अपना क्वार्टर बना के रह रहे हैं। सर ये कौन सा ऑफिस है थोड़ा बताइए? ये आपका ये क्या, ये PHE ऑफिस है क्या? तो PHE ऑफिस यहाँ में
काम करते हैं पीएचई वाले लोग? हाँ, काम करने वाला तो आता है, लेकिन मालूम नहीं है सामान तमान भी आए कि नहीं आए। तो ये कब कब खुलता है ये ऑफिस? जो मालूम नहीं है ना ये सब। तो इस वक्त हम लोग पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर है, तो मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ के जो ऑफिसर्स है वो किस तरह है। आइए कैमरामैन एक बार। तो ये है पीडब्ल्यूडी का ऑफिस, आप हालत देख सकते हो, और ये है आरडब्ल्यूडी का ऑफिस। तो यहाँ पे स्टाफ रहना तो बहुत दूर का बात है। यहाँ पे देखिए, मतलब इतना गंदा है यहाँ पे, शायद गाय भैंस लोग ही आते होंगे ऑफिस काम के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ओलो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो सर, हम आपको हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। तो सर, पहले आप थोड़ा बताइए अपना बारे में, आप कहाँ से हो? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ईस्टर्न टुडे न्यूज़ चैनल को, आप यहाँ तक आए कवरेज के लिए। मेरा नाम नाली खुलिया रंचुंग है और मैं फिलहाल प्रेजेंट टेन्योर का ऑल ओलो स्टूडेंट्स यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और सर, जैसे कि आज हमने बहुत सारा डिपार्टमेंट्स को विजिट किया है, और वहाँ का जो ऑफिसर्स है वो लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और सिर्फ अवेलेबल ही नहीं, यहाँ के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी ऑफिसर्स है, बिल्कुल ही खराब कंडीशन में है। तो उस चीज को लेके आप क्या बोलना चाहोगे? ये इशू बहुत समय से हम लोग रेस करने के लिए कोशिश करते आ रहे हैं पहले से। इट्स बीन ऑलमोस्ट 5-7 years एक्चुअली। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शनिंग जिस तरह कर रहा था, वो काफ़ी समय से ऑलमोस्ट डिकेट्स ज़्यादा हो गया, कि 10-15 साल ज़्यादा हो गया कि वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो रिलेटेड दैट वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड सेवरल न्यूमरस मेमोरेंडम्स रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो गया कल को 15 को, यानी कि परसों मेरा ख्याल से ना, परसों को डे बिफोर यस्टरडे अगेन वी हैव सबमिटेड द मेमोरेंडम, ये इसी फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। और उससे पहले भी 2-3 बार हम लोग मेमोरेंडम सबमिट कर चुका है, और आपका माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग उसका रिजल्ट के हिसाब से, जब लास्ट टाइम का मेमोरेंडम सबमिट करने का रिजल्ट माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग लास्ट समय का जो आपका सीओ ईएसी इंचार्ज जो सर डीके ठुंडो करके एक सर था सीओ हम लोग का लाजू का, उन्होंने एक माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग करके कुछ कुछ सोल्यूशन निकाला था, कि एक्सक्यूजेस ये था कि लाजू जो है आपका एक सर्कल है, तो वहां में आपका लाजू जो आदमी है, फिर जाके तुत्सा आदमी लोग भी है, तो क्या है कि तुत्सा साइड के लिए आपका कौन सा में जाना मोर कन्वीनियंट होता है। तो इसी को चलते सीओ सर ने ये सोल्यूशन निकाला था पहले कि ही विल स्टे 3 days इन लाजू एंड 3 days इन कौन सा, तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर फंक्शनिंग होने के लिए। तो उसका ट्रांसफर होने के बाद में लाजू इज बीन अगेन कम्प्लीटली इग्नोर्ड, लाइक इट हैज नो एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी ना यहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ना यहाँ पे आपका ट्राइब्स फॉर्म मिलता है, ना पीआरसी का फॉर्म मिलता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। एस यू माइट हैव ऑलरेडी सीन कि जितना भी अभी स्टाफ आप देखे हैं आप ईएसी ऑफिस में, वो जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल्स है और वो लोग जो एनसी जो आप बोलता है, वो लोग जंगल सफा करने वाला लोग ही है वहाँ में ऑक्यूपाई करने वाला। तो इफ आई लुक बैक इन टू द रिकॉर्ड्स, लाजू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्कल्स में से एक है। ये रिकॉर्ड अगर आप चेक करेगा, कंठन ऑथोरिटी आप चेक करेगा, तो भी आपको पता चल जाएगा कि लाजू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्कल। तो ऐसे में अभी जिस तरह लाजू को इग्नोर किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये जितना भी लोग है लाजू सर्कल में से, जितना भी मीन्स यहाँ पे पीपल है, उन लोगों के लिए ये मीन्स एक डिसिप्टिव टाइप का मीन्स ये आपका कह सकते हैं कि बिना आप सर्विस देते हैं ना, बिना आप सर्विस दे के आप सैलरी ले रहे हैं मंथली, तो दिस ये आप मैं जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो लोग का बारे में बोल रहा हूँ। अभी प्रेजेंट सिनारियो में भी यही है कि तिराप डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट 9 सर्कल इन टोटल इंक्लूडिंग खोंसा हेडक्वार्टर एंड डियोमाली। तो उनमें से भी आप ईएसी जो है आपका हेडक्वार्टर, आपका ईएसी जो पोस्ट है सिर्फ लाजू में है। तो अभी इधर उधर घूमने के बाद में, कौन समय चक्कर लगाने के बाद पता चला है कि सर नोगलेम बंगजेन
जो आप भी बारी बासिब का जो आपका ये सीओ है उसको इंचार्ज दिया गया है, सुना है ऐसा, तो ये सही नहीं लगा कि लाजू एक ईएसी हेडक्वार्टर होने का बाद भी आपके पास ये डेडिकेटेड आपका ईएसी नहीं है, डेडिकेटेड आपका सीओ नहीं है, उसके अंदर में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन में फंक्शन होना चाहिए था एलडीसी यूडीसी कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ये एक ग्रीवेंसेस है पब्लिक की तरफ से कि मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वी हैव प्लेस थ्री ऑर्डर्स मेंटली। We wanted to have a dedicated extra assistant commissioner, जो आपका EAC है लाजू सर्कल के लिए, ये हम लोग का डिमांड है। And we also want all the departmental officials, जितना भी खोनसा में लाजू का पोस्टेड होके जो जितना भी खोनसा में है उसका जो शिफ्टिंग होना लाजू में within 15 days आप लाजू में आना है, 15 days के अंदर में आप लाजू में आना है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन जो जिस तरह गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जिस तरह फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन हो, ये हमारा डिमांड है। और मैं इसका ऊपर में ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है जो आपका स्टेट आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लोग जो आप लॉजिकल हम लोग को एक रीजनिंग के साथ में लॉजिकल आप एक्सप्लेनेशन दे कि वाई लाजू आपका सर्कल को इस तरह डिजर्ट किया गया है। दैट दोस आर द डिमांड्स दैट वी हैव। ये जनरल सा कॉमन पीपल के लिए है कि आप अगर स्टेटिस्टिक आप पॉपुलेशन वाइज देखेगा तो भी लाजू सर्कल को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, इतना ज्यादा है आपके पास, मेरा पास ऑलरेडी रिकॉर्ड भी है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वी हैव मोर देन 10,000 आपका पॉपुलेशन है, तो दैट इज नॉट टू बी इग्नोर दैट इजिली। तो मैं आपसे अपील करूंगा आपका चैनल के माध्यम से कि इस न्यूज को या इस जो कंसर्न जो इश्यू है इसको आप लोगों तक पहुंचाए, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए, तो मैं यही कहना चाहूंगा। और सर हम जो डिपार्टमेंट से यहाँ पे जैसे कि आरडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी का जो ये हाल है इसका बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि इसका कब से है ऐसा हाल। धन्यवाद, ये मैं बताने के लिए भूल ही गया था, ये भी बहुत ही समय से ऐसे है। ये आई हैव इवन रीच आउट टू डायरेक्टोरेट लेवल, वहां में भी ये बातचीत करके आया है कि आपका लाजू के लिए एडीओ जो आपका होना चाहिए एग्रीकल्चर का हॉर्टिकल्चर का, फिर आपका डिपार्टमेंट आपका पावर हाउस है यहाँ पे आपका पीएचई का है आपका क्या था पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी और यहाँ पे जितना भी है यहाँ पे होना चाहिए था। और ये इन्फॉर्मेशन हमको मिला है, हमको दिया गया है डायरेक्टोरेट लेवल से कि अगर वहाँ पे पीएचई अगर वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अगर ये सब स्टाफ है नाम के लिए है होता है बोलने से भी उसका आपका एक प्रॉपर सा आपका बिल्डिंग होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ में ही आपका फंक्शन चलता है बोल के बताया गया है। लेकिन राइट नाउ एस यू कैन सी बिहाइंड मी हम लोग कंफ्यूज है कि वेदर दिस इज अंचल हॉर्स वेदर दिस इज पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है। दैट इज बिकॉज कि यहाँ पे जो फंक्शनिंग होना चाहिए जिस तरह इम्प्लॉय गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है वो नहीं बैठता है बिल्कुल भी। तो इसी के चलते आपके यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट के तरफ से लोगों के लिए जो सुविधा देने के लिए स्कीम्स निकलता है सब्सिडीज निकलता है वो भी पता नहीं चलता है कि कौन किसको कितना मिलता है कितना मिलना चाहिए। दोस थिंग्स आर कम्प्लीटली अननोन फॉर द पीपल ऑफ लाजू सर्कल। तो इश्यूज यही है कि अभी अब मैं बताऊं कि मेमोरेंडम आपका 15 को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लाजू के लिए ही नहीं बल्कि आई हैव ऑल्सो मेट डीडीएसी जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में दो पीआरटी टीचर के लिए भी मांग किया गया था। व्हेन वी विजिटेड लास्ट टाइम सेकेंडरी स्कूल लाजू उन लोगों ने कहा कि आपका पीआरटी टीचर हालांकि स्कूल्स में तो जैसे तैसे ही चल रहा है टीचर्स स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा है शॉर्टेज है फिर भी अगर दो पीआरटी जैसे तैसे भी अगर एडजस्ट करके देता है बोलने से स्कूल सही से चल पाएगा दैट इज ऑल्सो विद एडजस्टमेंट। तो दे वर आस्किंग फॉर That also, तो मैं आपको भी दे दूंगा ये मेमोरेंडम। जी जी। और सर लास्ट क्वेश्चन सुनने में आया है कि लाजू सर्कल का अंदर में एक लाइब्रेरी भी है तो उसका बारे में क्या कहना है आपका। धन्यवाद, फिर से ये क्वेश्चन मैं फिर से भूल गया। ये क्या है कि ड्यूरिंग कोविड आपका कोविड समय में द स्टूडेंट्स ऑफ लाजू हन्यू स्टूडेंट्स स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे लाजू का है along with that जितना भी आपका बस्ती बस्ती में students है also team was led by श्री कामश्याम तेजपा और उसका tenureship समय में और especially लाजू हन्यू students union का समय में हम लोग कोरोना का चलते हम लोग का quarantine क्या क्या है सब समय में we came to know about the construction of a library। तो
तब समय लगा कि खुशी लगा कि लाइब्रेरी भी आ रहा है तो बच्चा लोग के लिए पढ़ने के लिए सुविधा होगा। तो अभी देखा है कि आप देख सकते हैं कि वो कम्प्लीटली अभी अंदर में क्या क्या चल रहा है वहां में कोई स्टाफ नहीं है, हैंडिंग टेकिंग सही से किया गया है कि नहीं वो भी मालूम नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं अंदर में गोबर है, तो वो लाइब्रेरी इट्स नॉट फंक्शनिंग, इट्स अ कम्प्लीट अटर फेलियर। तो लाइब्रेरी का बारे में ये मैं कहना चाहूंगा, और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द जो हमारा जो 3 charters ऑफ डिमांड है आप उसको फुलफिल करें, और अदरवाइज तो कहीं अलग रास्ता भी है, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इफ यू डोंट आप अगर आप हमारा जो डिमांड है उसको आप सक्सेसफुल नहीं कराता है, तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ में आप एक्सप्लेनेशन नहीं करते खुद को, तो वी विल गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट फॉर श्योर। आपके पास 15 दिन है, तो 15 दिन के अंदर में आप हमें जवाब दीजिए, और नहीं होने से वी विल गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और वी विल गो लीगली, वी विल डू डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वी विल ऑल्सो गो लीगली। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज 15 डेज के अंदर में आप जो भी आंसर्स देना है तब दीजिए, और अदरवाइज विल गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। थैंक यू सो मच।